पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है, ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा, इन्होंने पूरा सम्मान किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी 10 एग्जांपल दिलवाए, बनारस का एक एग्जांपल दिलवाया। अरे भाई जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं सुधांशु जी, जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। दे शर्म शर्म करो शर्म। यहाँ पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। ये हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग चार धाम की यात्रा में पिछले एक महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है, उस पर बात नहीं करेंगे आप। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और ये यही गुजरात मॉडल था, सबसे पहले ये बड़ोदरा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था, क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। तमाम मुद्दे उठे हैं आज। आज किसानों का मुद्दा उठा उस पर चर्चा कीजिए ना, आज युवाओं का मुद्दा उठा उस पर चर्चा कीजिए ना, आज अग्निवीर का मुद्दा उठा उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी, उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने तो। आप बोल मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। साले दूब, राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, कानपुर, उनमें क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को फांसी हुई? 10 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई आपने? हमने तो निर्भया को का इलाज भी सिंगापुर में जाकर किया। आपने कितनी बेटियों को बचाया? केवल नारे और स्लोगन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश नहीं चलता है। आज क्या हालत है बेटियों की, उसके ऊपर कभी बात करेंगे? आपको यहाँ पर वेस्ट बंगाल दिखता है लेकिन उसके पड़ोस में मणिपुर नजर नहीं आता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जम्मू कश्मीर में जो तमाम तरह की चीजें हुई वो नजर नहीं आती है। ठीक है, जवाब देते हैं। जो चश्मा है जवाब लेते हैं, उसके बाद आशुतोष जी और रतन जी आपके पास आएंगे। मोदी जी को आज अग्निवीर का भी मुद्दा उन्होंने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा, एमएसपी विद लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। ये इश्यूज क्या इम्पोर्टेंट है सुधांशु जी, क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बताता हूँ मैं, माता जो इसमें आया।